हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने शेयर किया है रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 4 मिशन। तो किस तरीके से ये, देखिए, चंद्रयान आपके 3 मिशन से अलग होगी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ देखिए, यहाँ पे इसरो की फ्यूचर मिशन क्या क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और स्पेस एजेंसी विजन 2047 क्या है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके GS3 पेपर में जो साइंस एंड टेक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसरो के चेयरपर्सन डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने रिसेंटली कहा है कि इसरो प्लान कर रही है चंद्रयान 4 को लॉन्च करने के लिए। तो ये क्या करेगी, चांद से जो है सैंपल को अर्थ तक लेके आएगी इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो पिछले, देखिए, कुछ महीनों में भारत के स्पेस सेक्टर में काफी कामयाबी हासिल हुई है। चंद्रयान 3 की सक्सेस और आदित्य L1 लॉन्च, दोनों के ही ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। तो इसरो ने इस बार प्लान किया है कि उससे एक स्टेप आगे जाके चांद से कुछ सैंपल लेके आने की, तो जिसको देखिए चंद्रयान 4 के थ्रू लाया जाएगा, और उसमें 4 साल तक का वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पे इसरो के चेयरमैन ने, देखिए, जो अपने शेयर जो है, अपने विजन जो है शेयर किया था, स्पेस एजेंसी विजन 2047 के टाइम। तो क्या है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि चंद्रयान 4 ये किस तरीके से अलग होगी। तो बेसिकली देखिए कि चंद्रयान 4 जो है, ये एक लूनार सैंपल रिटर्न मिशन है। यानी कि जैसे कि चंद्रयान 3, जैसे कि लैंड जब हुआ था, वो वहां पे उसने सर्वे करके उसके बाद जो है डेटा जो है अर्थ में भेजा था। लेकिन चंद्रयान 4 जो है, ये चांद में लैंड भी करेगी और वहां से जो है सैंपल लेके अर्थ तक आ भी जाएगी। तो इस मिशन में देखिए काफी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होने वाली है। चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान रोवर था, जिसका वेट लगभग 30 kg तक था, हालांकि चंद्रयान 4 जो है, ये प्लान जो कर रही है, इसका वेट जो है लगभग 350 kg, यानी कि काफी वजनदार होगा यहाँ पे। तो चंद्रयान 3 का जो अगर बात की प्रज्ञान रोवर, 30 kg, यानी कि आप उसको उठा भी सकते हैं, लेकिन चंद्रयान 4 का जो रोवर होगा, ये काफी ज्यादा हैवी होगा। दूसरी बात है कि चंद्रयान 4 का जो रोवर होगा, उसका एक्सप्लोरेशन एरिया 1 km/1 km, यानी कि देखिए ये 1 km जो एक स्क्वायर के बीच में ये इंस्पेक्शन करेगी और उससे सैंपल लेके आएगी। और चंद्रयान 3 का जो इंस्पेक्शन एक्सप्लोरेशन एरिया जो था, ये 5500 m/500 m, यानी कि उससे ज्यादा बड़ा एक एरिया को एक्सप्लोर करेगी यहाँ पे। तो काफी कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे। एक्चुअली जब रोवर को भेजा जाता है, उसमें सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, तो उसमें देखिए सूरज की रोशनी भी आनी चाहिए। तो बहुत कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ पे भेजना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसरो के कुछ फ्यूचर प्लान्स फॉर स्पेस, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एक्चुअली स्पेस स्टेशन के बारे में बात की जा रही है। तो मेनली देखिए 2035 तक जो है स्पेस स्टेशन जो है इंडिया भेजने की कोशिश करेगी, और 2040 तक जो है भारत चांद में पहला इंसान जो है लैंड करने की कोशिश करेगी। इनफ्लेटेबल हैबिटेट मॉड्यूल जो है, इसके थ्रू देखिए जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में इंसानों को भेजने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे सैटेलाइट रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी, जो भी एग्जिस्टिंग सैटेलाइट है उसको फ्यूएल करके उससे और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये जो है आपने PSLV GSLV डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन, इसमें देखिए काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। इसके जो फ्यूल क्रायोजेनिक के थ्रू अलग अलग स्टेजेस में की जा सकती है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा हैवी लोड भी लेके जा सकती है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे देखिए दो स्पेसक्राफ्ट अगर अलग अलग जगह से जा भी रही है, तो वो एक टाइम में जाके एक साथ मर्ज करके एक साथ जा सकती है। तो इसको स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट बोला गया है। तो ये भी इसरो का कुछ प्लान्स है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको लुपेक्स मिशन भी बोला जाता है, ये जो है जाक्सा यानी कि जापान के साथ जो है भारत मिलके काम करेगी, और जो मून का जो
शेडो एरिया है, क्योंकि मून जो है टाइडली लॉक है अर्थ के साथ, यानी कि मून का एक पार्ट हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये जो शेडो एरिया है उसमें जाके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगी। इसमें भारत ने जापान के साथ जो है कोलाबोरेशन की है, जापान की स्पेस एजेंसी के साथ। नेक्स्ट अगर बात करेंगे स्पेस एजेंसी विजन 2047, तो इंडिया जो है स्पेस को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट के हिसाब से कंसिडर करती है। तो यहाँ पे भारत जो है 2047 तक जो है स्पेस में एक वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग स्पेस फेयरिंग नेशन बनना चाहती है। तो यहाँ पे एस सोमनाथ जी ने चार अलग अलग लेवल्स के बारे में बात की है। चार लेवल, अगर ये भारत को स्पेस में सक्सीड होनी है तो इन चार लेवल के ऊपर बहुत ही काम करना होगा। पहला बात है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होगी, स्पेसक्राफ्ट हाई टेक्नोलॉजी वाली स्पेसक्राफ्ट होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज होनी चाहिए, और एक्सप्लोरेशन जितना होगी उतना ही आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर नासा देखे, नासा हम लोग से लगभग 50 साल आगे है, क्योंकि वहां पे देखिए उनकी पहली बात की इनोवेटिव आइडिया बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात बजट बहुत ही ज्यादा है, जितना हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये नासा इसीलिए बहुत ज्यादा आगे है, और उसी तरीके से इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ चीजें इनोवेटिवली स्ट्रेटेजिकली काम करनी होगी। तो इसमें और भी कुछ कुछ प्लानिंग की गई, जैसे कि स्पेस पार्क हो गई, स्पेस टूरिज्म हो गई, ग्लोबल स्पेस डेटा सॉल्यूशन हो गई, ग्लोबल स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, स्पेस माइनिंग, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे की जा सकती है। तो एक चीज देखिए कि भारत में इसरो है, और भी अलग अलग प्राइवेट आजकल जो है स्पेस एजेंसीज भारत में खुल चुकी है, लेकिन ये इन कंपेरिजन टू द यूएसए बहुत ज़्यादा पीछे है। बहुत हजारों की तादाद में वहाँ पे प्राइवेट स्पेस एजेंसीज मिल जाएगी, लेकिन इंडिया में यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सके, उसके ऊपर प्लान की जा सके यहाँ पे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्पेस एक्स कितनी दूर तक सोच के रखा रखा हुआ है यहाँ पे, तो भारत भी इसके हिसाब से इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग्स करने होंगे। और ये कि इंडिया में साइंटिस्ट की कुछ भी कमी नहीं है, इनोवेटिव आइडियाज की कुछ भी कमी नहीं है, मेन चीजें उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस, जहां पे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने डिक्लेयर किया रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 4 मिशन। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए, स्टडी वाइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।